जस्सी जैसी कोई नहीं। लड़के होते ही ऐसे हैं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं आज से लड़कों के बारे में सोचूंगी ही नहीं। आज से मेरा सिर्फ एक मकसद है, काम, सिर्फ काम। मैं चाहता हूं कि तुम इस ऑफिस में काम करो। तुम तो वाकई बहुत अच्छी, तुमने एक दिन में वो काम कर दिखाया जो मैं बाकी लोगों से एक साल में भी एक्सपेक्ट नहीं करता। आज से मैं सिर्फ उनकी इज्जत करूंगी जो मेरी इज्जत करते हैं। कोई तो है जिसे मेरी जरूरत है, जो मेरी इज्जत करता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ अरमान कि आज के बाद और हर कदम पे मैं आपका साथ दूंगी। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा काम इंपॉर्टेंट होगा, मेरा काम और आप। और आज से मैं अपनी डायरी में आपको अरमान सर नहीं, सिर्फ अरमान लिखूंगी। लड़के के चक्कर में पड़ गई है? चक्कर में नहीं पड़ी, मेरी बेटी फ्रेडी के लिए पापा तो चाहिए ना। फ्रेडी के लिए पापा या तेरे लिए कोई? कहीं तो उस पर लट्टू वट्टू तो नहीं हो गई? हो गई हूँ लट्टू उस पर। बिंदिया, जो पापा बन गया वो पति तो पहले था ना, अब शादी करूंगी तो थोड़ा सा प्यार तो होना चाहिए ना। सुन, शादी का और प्यार का क्या कनेक्शन है? देख, लग गया कनेक्शन। हेलो गुलमोहर, हाउ कैन हेल्प यू? Just a minute. अब चर्च में शादी करूंगी तो गॉड के सामने झूठ कैसे बोलूंगी? थोड़ा सा प्यार तो होना चाहिए ना। तू इस चमेली में मत पड़, प्यार यार छोड़, अपने फ्रेडी के लिए पापा ढूंढ। वो भाग भी गया तो फिर पति छूटेगा, तिल मिल तो नहीं टूटेगा। हेलो, कोई लेटर अरमान सर के लिए? हेलो ब्यूटीफुल्स, सॉरी आपसे नहीं, आपसे तो मैं मजाक कर ही नहीं सकता हूँ। आपसे मजाक करने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसा चेहरा, उस पर इतना गुस्सा, बाप रे बाप। हेलो। हेलो, इतनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ था? और एक और बात, अगर मेरा कोई भी मैसेज या फोन कॉल मिस हुआ तो मैं सीधे जाकर अरमान से कह दूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। नमस्ते आंटी जी। आओ बेटा। नहीं आंटी, अंदर नहीं आऊंगा, आप बस ये किताब जस्सी को दे देना। क्या हुआ आंटी जी, आप बड़े परेशान लग रहे हो? जस्सी की कोई बात है? कुछ कहा उससे किसी ने कुछ? आप बताओ तो सही मुझे। क्या बताऊं बेटा, औरों की नजर माँ बाप जैसी नहीं होती ना, उन्हें क्या मालूम कितनी खूबी है उसमें। उन लड़कों ने कुछ कहा ना? क्या कहा? अरे वो लड़के इस दुनिया से बाहर थोड़ी हैं बेटा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी का दिल दुखे या कोई रोए। आंटी जी कहा क्या, बताइए तो सही मुझे। अरे कहेंगे क्या, वो तो आए तक नहीं, घंटों इंतजार करती रही बेचारी,
उसने फोन तो किया पर जाने दे। गाजर का हलवा बनाया है, खाएगा तू? अरे नंदू, कोई लड़ाई नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं, फिर तुम दोनों ने वहां पे किया क्या? ओ माय गॉड, यू मीन टू से तुमने ब्रेकअप की जगह पे मेकअप किया? यार यही हथियार होता है औरतों के पास, और मर्द वहां पे आके फंस जाता है। अरे पहले प्यार, फिर सगाई, फिर शादी, और उसके बाद बर्बादी। या प्यार, सगाई, शादी और खुशी। अरे यार, शादी के बाद खुशी कैसे मिल सकती है? क्यों क्यों नहीं? यार देख, एक इंसान शादी के बाद एक ही औरत के साथ खुश कैसे रह सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। मालिका इज स्पेशल। वो तुझे आज स्पेशल क्यों लग रही है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यार एक बात सुन, हर लड़की की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। बिल्कुल मलिका की तरह है ना, हम तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। इनफैक्ट मैं उससे ये कह रहा था कि वो कितना लकी है कि उसे मुझ जैसा दोस्त मिला। राज, आज मैं सही मायनों में खुश हूँ। आज मुझे पहली बार सच्चे प्यार का मतलब पता चला। आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हारी बेहुदा बातें सुनकर, तुम्हारी शक्ल देखने के बावजूद भी मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। अजीब है ना, लड़कियों में दिमाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी लड़की खूबसूरत हो उतनी बेवकूफ भी होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें अरमान के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छा हुआ राज, वरना मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हेलो हेलो जैसे। हाँ हाँ मामा। आज रात खाने में क्या बनाओ बेटा? क्या खाना क्या कह रही हो मामा? वो बस ऐसे ही फोन कर दिया था। अरे जैसे वो नंदू आया था। बाद में बात करूंगी। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन, वो नंदू कहीं चला गया है और मुझे लग रहा है वो रमन के पास गया है। अच्छा रखती हूँ, प्लीज मामा। अरे तूने सुना मैं क्या कह रही हूँ? तो ठीक तो है ना बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ। तू उसके साथ पंगे लेता क्यों है? अरे मैंने थोड़ी मलिका से शादी करनी है। बस एक सिंपल कैलकुलेशन है, शादी के पहले 5 साल यानी कि 1825 दिन होते हैं। अब कोई भी लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक आदमी को 1825 तरह से वो खुश कैसे रह सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। शादी में और भी बहुत कुछ होता है। होता है ना, ऐसे ही 40-100 साल होते हैं। मुझे तुम पर तरस आता है यार, तू एक मेरी एडवाइस ले, 1825 दिन एक लड़की पर बर्बाद करने के बजाय 1825 लड़कियों पे एक एक दिन कुर्बान करके देख कितना मजा आएगा। फ्री एंड फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम मी। मैं मलिका से इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि जब वो मेरी आंखों के सामने होती है मुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं तेरी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ रहा हूँ अरमान। मलिका में जो बात है वो किसी और में कहाँ है। छोटा सा मजाक, इसमें इतना गरम होने की कोई बात नहीं। इट्स ओके बड़ी, इसको मजाक कहते हैं क्या? रमन बहुत ही भद्दा मजाक था ये। ए, मजाक भद्दा नहीं है, भद्दी तो वो है। और उसे तो अब इन सब चीजों की आदत पड़ गई होगी यार। और तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही मेरे प्यारे नंदू? तू चल घर निकल। रमन तो उसको पहले फोन कर और उससे माफी मांग। उसको फोन करूं मैं? हाँ तू उससे माफी मांग, उसका नंबर ले और उसको फोन कर। ए तू पागल हो गया? ये पागल हो गया है? ए नंदू तू खिसक गया है क्या? रमन तू उसको फोन कर वरना। मैं तेरे को
अरमान से बात कर सकती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मोनिका, वो जानते हैं मुझे। वो अभी ऑफिस में नहीं है। कभी तो आएंगे, कहना मुझे फोन करें। जी, मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। और ये भी कह देना कि अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं उनसे मिलने आ रही हूँ शाम को 4 बजे। ओके जी। जसवंत, अंदर आओ। आपने बुलाया सर? हाँ जसवंत। जसमीत सर। जसमीत, मैंने तुम्हें कल की बोर्ड की मीटिंग के बारे में बताया था? नो सर, लेकिन मुझे मालूम है चेयरमैन बनने के बाद ये आपकी पहली बोर्ड मीटिंग है और सबके सामने आपको एक प्रेजेंटेशन देना है कि गुलमोहर में आपके अगले साल के क्या प्लान्स हैं। राइट, तुम सारे एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग बुलाओ अभी उसी वक्त। ओके। यस सर। और कुछ सर? और ये कि हमेशा मेरे सामने इस तरह टेंशन में मत खड़ी रहा करो। वो मोनिका का फोन आया था। क्या? मोनिका का फोन आया था? तुमने उससे क्या कहा? और उसने तुमसे क्या कहा? सर, मैंने कहा कि आप ऑफिस में नहीं हैं और उसने कहा कि आप उसे फोन कर लें। अब क्या हुआ? सर, वो यहाँ आ जाएगी शाम को 4 बजे। मोनिका ऑफिस में आ रही है। हाँ, अगर आप उसे फोन ना करें तो। मैं उसे फोन कर लूंगा, जस्ट रिमाइंड मी। ओके। तुमने उसे ये क्यों कहा कि मैं इस ऑफिस में नहीं हूँ? सर, मुझे लगा कि शायद आप उसे बात करना नहीं चाहेंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसकी आवाज कुछ कह रही थी कि नहीं। बेस, तुमने बहुत अच्छा किया जितेंद्र। जसमीत सर। जसमीत, थैंक यू सर। मैं आपके पर्सनल डाटा के सारे नंबर्स कंप्यूटर में सेव कर दूं एक सीक्रेट फाइल में जो सिर्फ आप और मैं देख सकेंगे। उसमें क्या होगा? आपने किससे क्या कहा है, किसको क्या कहना है, ये सब फीड कर देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर। डीप यू आर। जसमीत सर, तुम कोई आसान सा नाम नहीं रख सकती? एक है, पापा जी मुझे प्यार से जस्सी कहते हैं। जस्सी, ओके। मीटिंग। उसको देखा था, नंदू का लगी कैसी थी? सॉलिड यार, एकदम सॉलिड पड़ी थी। और उसका चेहरा ना बंदर के जैसे लाल हो गया था। यार ये तो उसका बाप है। ये क्या करेंगे? ये इधर क्यों आ रहे हैं? अंकल, तो सॉरी, एक्चुअली क्या हो गया, कल मुझे मम्मी के लिए आटा पिसवाने जाना पड़ गया। अंकल, मैंने ट्राई तो किया था लेकिन एंगे जा रहा था। देखिए अंकल, हम लोग ऑलरेडी किसी बदसूरत लड़की के लिए मार
बनानी पड़ी। जसमीत सब कुछ तैयार है? यस सर। एक बार सबको रिमाइंड कर दो कि 2 बजे का टाइम है, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए। ओके सर, मैंने सबको रिमाइंड कर दिया, आते ही होंगे। आइए मलिका मैडम, आइए आइए सर। हाय मां, कैसे हो? एक्सक्यूज मी, हमारी मंगनी हो चुकी है। ऑल दिस इज अलाउड नाउ। हाय एवरीबॉडी, चेहरा संभाल के ब्यूटीफुल किन दाग पे चांद ना लग जाए। आई मीन चांद पे दाग ना लग जाए। मनचंदा, तुम्हारे चेहरे पे तो टैश लगना चाहिए। दिन ब दिन बदसूरत होते जा रहे हो। मैम आपकी सीट। थैंक यू जसमीत। तो पूरी तरह से सेटल हो गई ऑफिस में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब तो ऑफिस बिल्कुल अपना सा लगता होगा, है ना? जसमीत जी, आपको आपका कैबिन कैसा लग रहा है? हाँ, दीवारें कुछ खाली खाली सी हैं। कुछ तस्वीरें लगानी चाहिए वहाँ पे, नहीं अपनी या फिर अरमान की। राज शुरू करें। ओह मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी 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 अरमान। परी अब टाइम मत वेस्ट करो, बैठो। ओके गाइस, चेयरमैन की हैसियत से मेरी पहली मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हम लोग गुलमोहर का एनुअल बिजनेस प्लान सबमिट करेंगे। मुझे हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट चाहिए। मनचंदा पर्सनल, राज सेल्स एंड स्टॉक्स, मलिका शोरूम एंड स्टॉक्स, एंड मैडी अगले साल की डिजाइन स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट्स। और ये सारी रिपोर्ट्स आप लोग जसमीत को दे सकते हैं, जो कि एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करेगी। एक मिनट, मैं क्या करूंगी? परी तुम मेन्यू और सीटिंग अरेंजमेंट डिसाइड कर लेना, और हाँ कॉफी मत भूलना। थी बेबे। अरे तुझे पता नहीं यहाँ क्या क्या तमाशे हो गए? यहाँ भी बेबे, नंदू पिट के आ गया। मीटिंग बहुत अच्छी हुई। फिर तेरा पापा भी गया उनके पास। ऑफिस के टॉप के लोग सब थे मीटिंग में। बगल वाला पप्पू है ना, वो भी वही था। परे भी वही थी। तब तेरे पापा ने वो पिटाई की रमन की। तो परमान सर ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया। सबके सामने जस्ती, सबके सामने बेबे। बे, आप कुछ कह रही थी ना? अच्छा बेटा ये बता तू कब वापस आ रही है, फिर बताती हूँ पूरी कहानी। आज तो देर हो जाएगी बेबे, बहुत सारा काम है। कल यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग है और इसकी सारी तैयारियां मुझे करनी है। मेरे लिए बाबा जी से दुआ करना बेबे, मैं इतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार करूंगी कि अरमान सर मुझे बहुत खुश हो जाएंगे। करो जस्सी, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करो। मैं हूं ना, मुझे पूरा याद है कि अरमान तुमसे बहुत खुश हो जाएगा। जस्सी जस्सी कोई नहीं, जस्सी जस्सी कोई नहीं।